गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें किन किन पदार्थों से प्राप्त होता है, ये किन किन तत्वों का मिश्रण है, इसकी कमी या इसकी अधिकता से क्या क्या हानियां होती है, तो आइए हम अपने पॉइंट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को हम कार्बोज कहते हैं क्योंकि यह कार्बनिक यौगिक जो कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है, इन्हीं तत्वों से हमें ऊष्मा या शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स हमें किन किन पदार्थों से प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें स्टूडेंट्स प्राप्त होता है जितने भी हम अनाज है जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। साबुत अनाज में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है और इसके बाद जो भी मीठे पदार्थ है, मीठे पदार्थ में गुड़ है, शक्करकंदी है, चीनी है, इनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। इसके बाद आलू, संतरा और चावल, चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्राप्त होता है। इसके बाद है हमारे भाई हमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट्स 225 से 335 ग्राम तक की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इसके बाद है इसके लाभ, भाई कार्बोहाइड्रेट्स से हमें क्या क्या लाभ होता है। कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहला हमारा मेन जो काम करता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्रदान करता है जिससे कि हम कार्य करते हैं। इसके बाद हमारे जो मसल्स है, हमारे मांसपेशियां हैं जो उनको मजबूती प्राप्त करता है और हमारे जो शरीर का तापमान है, हमारे शरीर का तापमान को बनाए रखता है, मेंटेन रखता है, सामान्य रखता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, भोजन को मुलायम बनाता है, अमाशय और जो हमारी आंत है उनकी सफाई करता है और हमारे जो पाचन क्रिया है, पाचन तंत्र है, उसको उस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाता है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम करते हैं इसकी हानियां, भाई इसकी अधिकता से या कमी से हमारे शरीर को क्या क्या हानियां होती है। सबसे पहले है शुगर, भाई कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमें शुगर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है और इसको ज्यादा मात्रा में लेने से शरीर में फैट की मात्रा जो बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा अगर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि जोड़ों में जो हमारे पेन शुरू हो जाता है, यानी कि ज्वाइंट पेन जिसे हम जोड़ों में दर्द कहते हैं वो शुरू हो जाता है, रक्त प्रवाह में रुकावट आ जाती है अगर इसकी कमी हो जाती है। तो इसके बाद अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स कम मात्रा में लेते हैं तो शरीर हमारा कमजोर हो जाता है, कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है, इसकी कमी के कारण हमारे शरीर में अम्लता बढ़ जाती है और त्वचा तथा हृदय संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था यही समाप्त होता है, धन्यवाद।